अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही झटपट बन के तैयार होने वाली स्वीट नारियल के लड्डू की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसे बनाने के लिए मैं एक पैन ले ली हूँ। इसमें डाल दूँगी मैं 2 छोटे चम्मच घी। हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है। घी को हल्का सा गर्म कर लूँगी मैं। यहाँ मैं ले ली हूँ 2 कप कोकोनट पाउडर। इसे मैं घी में डाल दूँगी और इसे लगातार चलाते हुए भून लूँगी। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है तो इसके लिए हम फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए भून लेंगे। इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट में ये अच्छे से भून जाएगा। बस ध्यान रहे हमें लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएंगे नीचे से। देखिए कलर चेंज होने लगा है, हमें इसी तरह का चाहिए। हमारा नारियल अच्छे से भुन चुका है और अब मैं डालूँगी इसमें दूध। तो मैं यहाँ 1/4 कप दूध ली हूँ। आप चाहें तो 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन 1/4 कप में भी ये अच्छे से बन जाता है। हमें इसे चलाते हुए भून लेना है, फिर से दूध के साथ में हमें पका लेना है। और ये देखिए पक चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो मैं यहाँ ली हूँ 1/4 कप ही चीनी। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप भी चीनी ले सकते हैं। चीनी को मेल्ट हो जाने तक हमें इसे चलाते हुए पका लेना है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है नहीं तो तले में जल जाएगा। फ्लेम को हम लो ही रखें। इसे हमने पूरे टाइम लो फ्लेम पर ही पकाया है। ये देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है चीनी। और अब मैं इसे निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। हम लड्डू को आराम से बांध सकें उतना ही ठंडा करना है हमें। और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब मैं इसका लड्डू बना लूँगी। तो इस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए मैं इसे एक बड़े से नींबू के साइज़ का बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद का छोटा या बड़ा साइज़ बना सकते हैं। ये देखिए बना ली हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ली हूँ, उसमें लड्डू को कोट कर दूँगी इस तरह से। और ये हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह मैं दूसरा भी बना कर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बना लेंगे और नारियल पाउडर में कोट कर देंगे। नारियल पाउडर में लड्डू को कोट करना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे अच्छा दिखता है हमारा लड्डू। इसी तरह से मैं सारे लड्डू को बना के तैयार कर लूँगी। हमने सारे लड्डू बना कर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए हमारा नारियल का लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। कितना बढ़िया दिख रहा है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हुआ है। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।